यदि हमने अपने लक्ष्य का चयन पूरी मजबूती और संकल्प के साथ किया है तो ना तो हम अपने लक्ष्य के लिए दिन बिता सकते हैं और ना तो हम आराम कर सकते हैं। हमारी सफलता हमारे अनुशासन और एकाग्रता पर पूरी तरह निर्भर करती है। आप सभी लोग जानते हैं प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीपीसीएस 2020 के लिए फॉर्म आ चुके हैं और लगातार रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है और पिछले 3 दिन में लगभग 85,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जो 3 दिन में एक बड़ी संख्या है। आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा। तो जिनको तैयारी करनी है, जिनको अपनी एक सीट पक्की करनी है, वो मजबूती से लक्ष्य की ओर बढ़ चले हैं। आपका भी समय यही है कि अब आप मजबूती से इस लक्ष्य की ओर बढ़ चलिए और आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना प्रारंभ कर दीजिए। चाहे परीक्षा 21 जून को हो या उसकी डेट बढ़े, लेकिन तैयारी तो आपको करनी है। परीक्षा इतनी बड़ी है कि त्वरित रूप से आप तैयारी नहीं कर सकते, पहले से आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी और पहले से आपको अपनी योजना भी बनानी पड़ेगी। मेरा यह वीडियो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स पर आधारित है। आप में से बहुत सारे लोगों के संदेश आए कि सर कब से कब तक का करंट पढ़ना है, करंट को कैसे पढ़ना है, किन किन विषयों को ज्यादा तैयार करना है, तो उसी तरह से समराइज लिए एक छोटा सा वीडियो बना पाया हूं जिससे आप लोगों को एक सही दिशा मिल सके। तो आइए इस वीडियो का प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जब हम किसी भी परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स को देखते हैं तो लगभग 10 माह का करंट उस परीक्षा के पहले का हमें तैयार करना होता है, अर्थात जिस तिथि को वो परीक्षा है उससे ठीक 10 माह पहले तक का। यदि हम पीसीएस की इस परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स की बात प्रारंभ करें तो नवंबर 2019 से आपको ये करंट पढ़ना प्रारंभ करना है, क्योंकि अगर 21 जून को परीक्षा है तब भी या उसके 1-2 महीने बाद परीक्षा होती है तब भी नवंबर से लेके करंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो नवंबर से लेके आपको इस पढ़ाई को प्रारंभ करना है। टॉपिक वाइज भी मैं आपको बताता हूं। किसी भी तैयारी के लिए मैं एक छोटी सी चीज बता दूं, किसी भी तैयारी का जो स्वरूप होता है वो 2 प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए आप 10 घंटे की नियमित पढ़ाई कर रहे हैं तो 5 घंटे की पढ़ाई आपकी सेल्फ एनालिसिस होती है, या आप किसी से इंस्ट्रक्ट हो रहे हो या कोई आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हो। इसका मतलब ये होता है कि 5 घंटे आप उन साधन संसाधनों को देते हैं जो आपके कोचिंग से आपको मिल रहे हैं या जो आपके नोट्स के रूप में है, या कोचिंग या नोट्स के रूप में ना होके अगर आप स्वयं से एनालिसिस कर रहे हैं तो इसको कहते हैं सेल्फ इंस्ट्रक्ट होना। आप स्वयं से इंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इस माध्यम में आप कोचिंग से इंस्ट्रक्ट होते हैं लेकिन यहां पर आप सेल्फ इंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं ये एनालिसिस आपको तब मिलेगा जब आप बीते प्रश्न पत्रों को देखेंगे, कंटेंट्स को देखेंगे, आयोग के जो प्रश्न पत्र हुए हैं उनके प्रश्नों को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि किस भाग से कितने प्रश्न आ रहे हैं। और अगर ये सेल्फ इंस्ट्रक्ट आप 5 घंटे के लिए हो रहे हैं, इसका मतलब है आप उस परीक्षा को गहराई से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं और आप अपनी सफलता के ज्यादा नजदीक जा रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप एनालिसिस करेंगे उतना ही आसान आपके लिए पेपर हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि पेपर कहां से आ रहा है, किन विषयों से आ रहा है, किन भागों से आ रहा है। दूसरा होता है बुक और नोट से पढ़ाई। जैसे मान लीजिए अगर आप 4 घंटे सेल्फ एनालिसिस में लगा रहे हैं और इसके बाद आप ये तय कर रहे हैं कि इस एनालिसिस से ये मटेरियल निकल के सामने आया और इस सामग्री को हमको पढ़ना है, तो ये जो सामग्री आपकी होती है उसको आप 6 घंटे में लगभग पढ़ के पूरा करते हैं। अच्छे अभ्यर्थी को, अच्छे सदस्य को लगभग इस समय 10 घंटे की पढ़ाई आप लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि अब पेपर पहले की तरह नहीं आता। चक्र और वाणी पर आधारित जो पेपर आते थे अब वो पेपर का पैटर्न खत्म हो चुका है। अगर सेल्फ एनालिसिस जबरदस्त नहीं है तो प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन भी आप अच्छे से हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोक सेवा आयोग पूरी तरह से अपने आप को संघ लोक सेवा आयोग की तरफ ले जा रहा है, उसी पेपर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उसी परीक्षा प्रणाली को भी फॉलो कर रहा है। आप विगत कुछ दिनों से देख रहे हैं या पिछले जो प्रश्न पत्र हुए हैं उनको भी आपने यहाँ पे देखा है। तो कतई ये मत समझिए कि पेपर का पैटर्न आसान होगा या क्वेश्चंस का रिपीटेशन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि एक सही दिशा में लग जाइए, क्योंकि अब आप प्री कमेंट्स का अगर अच्छे से पढ़ते हैं तभी आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देखिए 2 कलर से मैंने यहाँ पर लिखे हैं प्रश्न, जो टॉपिक आपके हैं। येलो कलर से जो टॉपिक है पिछले 9 या 10 महीने के टॉपिक, जैसे मैंने कहा आपको नवंबर से आपको यहाँ पर शुरू करना है, 10 महीने का आप लगभग ले लीजिए। तो येलो कलर से जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं यहां से करंट अफेयर्स के आपके फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, जो आपके 1 या 2 लाइंस के क्वेश्चन होते हैं। और व्हाइट कलर से जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं यहां से आपके कथन आधारित प्रश्न बनते हैं।
तो आपको उसी तरह से अपनी तैयारी को करना। अभी मैं एक उदाहरण के रूप में भी आपको समझाऊंगा, जैसे पुरस्कार हो गया, खेल हो गया, प्रमुख रिपोर्ट एवं सूचकांक हो गए, प्राकृतिक आपदाएं हो गई, केंद्रीय बजट हो गया, 16वीं वन रिपोर्ट हो गई, प्रमुख आयोग हो गए, सम्मेलन हो गए, है ना, प्रमुख डिजिटल कार्यक्रम जो भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, समितियां, आयोग, बहुत अलग अलग जो है प्रायोजन के लिए अलग अलग समितियों का गठन हुआ है, उनकी रिपोर्ट आई है, आयोग है, खेल आयोजन है, कहां कहां पे कौन कौन से खेल आयोजन हुए, राष्ट्रीय घटनाक्रम है, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम है। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनमें से निश्चित रूप से आपके यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम 30 क्वेश्चन में से देखें तो 15 क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक से होंगे और वह वन लाइनर या टू लाइनर क्वेश्चन होंगे। अगर आराम से आपने समराइज किया है तो ये क्वेश्चन आपको तैयार हो जाएंगे और निश्चित रूप से यहाँ पे मैं आपकी मदद भी करूंगा। अभी थोड़े दिन बाद में करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज चलाऊंगा, आपको किसी भी जो है मैगजीन की, किसी भी बाजार के नोट्स की जरूरत नहीं है, मैं इनके नोट्स भी आपको दूंगा और मैं पीसीएस के लिए पूरे करंट अफेयर्स की श्रृंखला भी आपको चलाऊंगा। बशर्ते अभी अगर आपने पढ़ना अपने से प्रारंभ किया है तो आप पिछले 10-11 महीने के इस करंट को देखना प्रारंभ करेंगे। दूसरा, जो कथन और कारक वाले क्वेश्चन इस समय जो कथन वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें दो कथन या तीन कथन दिए होते हैं, वो भारत के कुछ टॉपिक्स से आते हैं, जो भारत आपका 2020 है, या कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट से आते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, यहां से आपको दो कथन में प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन इस योजना की शर्तों में शामिल नहीं है। ऐसे प्रश्न पिछले साल भी आपके बने हैं, पिछले पेपर्स में भी बने हैं। आर्थिक सर्वेक्षण जो आया है उसके जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, यहां से भी आपकी इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं जो दो या तीन कथनों पर आधारित होते हैं, जिनमें एनालिसिस थोड़ा सा ज्यादा करना है। नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट, ये अगर आपके पास नहीं है तो संस्थान टारगेट बतालोग ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आपको उपलब्ध कराएगा, मैं खुद इसको ब्रीफ करके बनवाऊंगा, यहां से आपके प्रश्न कथन के रूप में निश्चित रूप से मिलेंगे। पर्यावरण एवं जैव विविधता में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय रूप से जितने भी विकास हुए हैं, जो भी प्रभाव पड़े हैं दुनिया पर, वो भी आपके क्वेश्चन यहां से बनेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जैसे आप सभी लोग देख रहे हैं कि इस दो महीने की विज्ञान प्रगति पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। एक तो इस महीने की विज्ञान प्रगति का डिजिटल अंक आप ले लीजिए और इससे पहले वाली विज्ञान प्रगति का डिजिटल अंक ले लीजिए। ये दोनों महीने की विज्ञान प्रगति से जो जो भी चीजें आएंगी वो आपकी पीसीएस की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी। और वैश्विक विकास, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जितना प्रभावित हुआ है, आप देख रहे हैं चीन है, अमेरिका है, लगातार प्रभावित हो रहा है, आपका पूरा यूरोप प्रभावित है, तो इन सब चीजों को आपको यहाँ पे देखना है। तो यहां से जो प्रश्न बनते हैं वो आपके कथन के रूप में बनते हैं। जैसे मैं आपको एक प्रश्न का मॉड्यूल दिखाने की आपको कोशिश करता हूं, ये प्रश्न वो है जो आपके फैक्चुअल मिलते हैं आपको। जैसे यहाँ पे लिखा है, निम्न में से सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, क्षेत्र लिखा है मतलब क्षेत्रफल, तो आप तुरंत कह देंगे मध्य प्रदेश। यहाँ पे लिखा है कोविड-19 से संबंधित ऑपरेशन शील्ड किस राज्य से संबंधित है, तो आप कहेंगे दिल्ली। ये वो प्रश्न है जो आपके इन हिस्सों से बनेंगे। अब अगर इन हिस्सों से जो प्रश्न आते हैं तो उनकी अगर हम लोग बात करें तो ये प्रश्न कथन वाले होते हैं। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, भारत में नोटा विकल्प का उपयोग पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 2013 के एक आदेश के बाद हुआ, भारत इस प्रक्रिया का 14वां देश बना। कथन दो, उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश में नोटा का प्रयोग किया गया। दोनों सही है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। इस प्रकार के जो कथन वाले प्रश्न बनते हैं इनका ज्ञान आपको तभी होगा या इनमें आप तभी जो है मजबूत दक्ष हो पाएंगे जब आप इन रिपोर्ट को अच्छे से एनालिसिस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और एकाग्रता के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन तो आपके सही हो जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आपको रिपोर्ट का अध्ययन करना पड़ेगा। अब ये जरूर बात है कि इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो नोट्स है वो 5-5 पेजेज में आपको अगर तैयार कर दे दिए जाए तो ये आपके लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा। तो मैं यहाँ पर पूरा प्रयास करूंगा कि इस तरीके के नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। भारत, जैसे भारत 2020 का डिजिटल अंक आप लीजिए, आने वाला होगा, है ना। भारत 2020 में शिक्षा, ऊर्जा, पर्यावरण, उद्योग, ग्रामीण एवं शहरी विकास, रक्षा, कौशल विकास और रोजगार, जैसे अगर हम लोग लगभग लगभग टॉपिक देखें तो उसमें 32 से 33 टॉपिक आपके भारत में होते हैं,
लगभग अगर हम लोग देखें। लेकिन आपको सही सभी टॉपिक नहीं पढ़ना है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रवृत्ति अगर हम पीसीएस में देखें तो इन्हीं टॉपिक से आपके सवाल बनते रहे और इन्हीं टॉपिक से आपके सवाल बनेंगे। तो भारत के उस अंक में आपके इन भागों को आपको बस यहां पर देखना है, इन्हीं भागों से आपके प्रश्न बनेंगे। तो अगर हम भारत 2020 के इन टॉपिक्स को देख लें जो मैंने यहां पर लिखे, या हम लोग करंट अफेयर्स के इन टॉपिक्स को देख लें और इस प्रश्न पैटर्न को अगर हम लोग देख लें, तो लगभग लगभग हमारे 30 प्रश्न यहां से भारत को मिला के, करंट अफेयर्स के फैक्चुअल को मिला के और कथन को मिला के आएंगे जो आपके रहेंगे। जैसे देखिए, अगर आप विषय के रूप में पॉलिटी पढ़ रहे हैं, संविधान, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, तो संविधान से जो क्वेश्चन आएगा वो इस बार करंट से संबंधित आएगा। विज्ञान से जो क्वेश्चन आएगा वो इस बार करंट से संबंधित आएगा, क्योंकि प्रगति संविधान में बहुत ज्यादा हुई है, जैसे आप जानते हैं 370, 35 ए और इसका नागरिकता के भी प्रावधान बदले हैं, संघ राज्य क्षेत्र में भी बदलाव हुआ है, केंद्र शासित प्रदेशों में भी बदलाव हुआ है। तो ये सारे प्रावधान, तो यहां से 2 या 3 प्रश्न आपके करंट के बनने ही बनने हैं। जैसे प्राकृतिक आपदाएं आई हुई हैं, आपने देखिए प्राकृतिक आपदाओं को इस लिस्ट में यहां पर शामिल किया हुआ है। तो ये अगर प्राकृतिक आपदाएं जो आपकी आई हुई हैं, इन प्राकृतिक आपदाओं से भी क्वेश्चन बनने निश्चित हैं। तो आप अपनी कॉपी पर इन चीजों को पेन डाउन करके अच्छे से और इन चीजों के इर्द गिर्द रह के तैयारी प्रारंभ करिए और मैं निश्चित रूप से आपकी यहां पर मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। कुछ दिन बाद में श्रृंखला चलाऊंगा और निश्चित रूप से आपका करंट में तैयार कराऊंगा, ये मैं आपसे कह रहा हूं। थोड़ा सा और चीजें थोड़ी सी बेहतर हो, लेकिन आप बिल्कुल भी आराम न करते हुए अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से प्रारंभ कर दीजिए। देखिए, सेल्फ एनालिसिस की जहां तक बात है, तो देखिए सेल्फ एनालिसिस न्यू कमर्स जो आए हैं या जो पहली दूसरी बार परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। बाकी जो लोग सीनियर है, एक दो बार दिए हैं, वो आराम से सेल्फ एनालिसिस करते हैं, कर सकते हैं। तो आप इंस्ट्रक्ट होना शुरू करिए, या तो आप स्वयं से इंस्ट्रक्ट होना शुरू करिए, और या अगर आप स्वयं से इंस्ट्रक्ट नहीं हो रहे तो आप किसी ऐसे संस्थान को पकड़िए, उससे इंस्ट्रक्ट होना शुरू करिए, है ना। यदि टारगेट बतालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है तो हमारे यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर चल रहे हैं, हमारे यहाँ प्री कम मेंस का बैच है, अगर आप ज्वाइन करना चाहें। देखिए, इस परिस्थिति में कोई ऑफलाइन कोचिंग आपकी चलने नहीं वाली है ना, और ऑनलाइन कोचिंग में दिल्ली के टीचर्स से लेके इलाहाबाद के टीचर्स से हम लोग बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, और इसके लिए हम लोगों के बैच लगातार संचालित हो रहे हैं। 17 मार्च से जो हमारा बैच आया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है और बहुत अच्छे से उसमें नोट्स, प्री कम मेंस की पूरी पढ़ाई और बेहतर आपकी वीडियोज क्लासेज उसमें है। तो अगर आप चाहें तो वहां से इंस्ट्रक्ट हो सकते हैं, जो दिल्ली के अध्यापक है वो यहां पर मजबूती से एक मंच पर खड़े हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग अगर ऐसा चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर चल रहा है, यहां से आप इसको ले सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू करिए, सभी विषयों की पढ़ाई लिखाई शुरू करिए। प्रारंभिक परीक्षा के लिए 5 विषय मुख्य रूप से तैयार करने हैं आपको, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, अर्थव्यवस्था, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, पर्यावरण और कृषि। ये एक और अलग हिस्सा है आपका जो बहुत छोटा आपसे पूछा जाएगा, पर्यावरण और कृषि और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल मैंने आपको बताया कि कैसे आपको तैयार करना है, इसके इर्द गिर्द अगर आप तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से वो 30 प्रश्न आपको मिलेंगे। आने वाले समय में मैं कुछ और वीडियोज के साथ करंट में आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि ये सब मैं आपको पढ़ाऊं, अगर आपकी ऐसी इच्छा है कि मैं आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स के बारे में आपको रूबरू कराऊं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी इच्छा जरूर जाहिर करिए। अगर एक पूरा समूह ऐसा हुआ जिसने इच्छा जाहिर की कि हाँ सर हम आपके साथ तैयारी करना चाहते हैं, या आपने नीचे ये लिखा कि हाँ सर हम तैयार हैं, आप प्रारंभ करिए, तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों की मदद के लिए आगे आऊंगा और 20 एपिसोड की एक पूरी श्रृंखला चला के हम लोग इसको पूरा करेंगे, जिससे सभी लोग लाभान्वित होंगे, है ना। तो अगर ऐसी इच्छा है तो नीचे आप अपना पुरजोर समर्थन दीजिए और इस बात को आगे बढ़ाइए। तो फिर मैं अपनी तरह से अपनी तैयारी शुरू करता हूं। और दूसरी बात, जो इस तरीके के आपके विषय यहां पर बनने वाले हैं, इन विषय पर थोड़ी सी आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगर एक बार एनालिटिकल अप्रोच के साथ ये हम लोगों ने समझ लिया, या एक दूसरे के साथ हम लोगों ने इसको एक बार इंटरेक्ट कर लिया, डिस्कस कर लिया, तो डिस्कस करने की बात आप कभी नहीं भूलते। या अगर आप ग्रुप स्टडीज कर रहे हैं, आपके आसपास कोई अच्छा व्यक्ति है, भाई इस समय तो लॉकडाउन है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस मंच से मैं इन रिपोर्ट्स के बारे में आपसे डिस्कशन करूं, जिससे जो हमारे बैच के सदस्य हैं वो भी लाभान्वित हो और आप सभी लोग भी लाभान्वित हो।
तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करिए, घर में लॉकडाउन रहिए, स्वस्थ रहिए। अभी ये लड़ाई कोरोना से हमारी थोड़ी सी लंबी चलने वाली है, और निश्चित रूप से लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़िए, क्योंकि देखिए कुछ लक्ष्य छोटे होते हैं, कुछ लक्ष्य बड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है, और इसके लिए आप अगर ये सोचेंगे कि हम 25-50 या 60 दिन में तुरंत तैयारी कर लेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अब सीट्स आई है, वैकेंसी आई है, तो ये आपके लिए एक अलार्म की तरह है। आप अपनी तैयारी को अभी से शुरू करिए, क्योंकि इस समय आप एकाग्र भी हैं, घर में भी हैं, एकांत में भी हैं। अपने आप को पहचानिए और आइए आगे बढ़िए। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में जो टॉपिक मैंने आपसे डिस्कस किया आपके लिए कुछ लाभदायक होंगे। आगे मैं और विस्तृत वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। आज मेरी तरफ से इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।